हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल निधा टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई पिका कार्ड रीडिंग, और इस पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही डिमांडेड है। आप लोगों ने इसकी डिमांड की थी। सो इस पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी एंड व्हेन, आपकी शादी किससे होगी और कब होगी, ठीक है ना। तो हम देखेंगे आपके पर्सन के नेचर, पर्सनालिटी, फाइनेंशियल्स, वो कैसे प्रोफेशन में है, उनकी क्या अभी करियर की सिचुएशन है, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे होगी, आप लोग कब तक मिल सकते हो, आप लोगों की शादी कब तक हो सकती है, ये सब हम एक आइडिया देखेंगे, ठीक है ना, इस रीडिंग में। फिर आपके पर्सन के जोडियक साइंस भी देखेंगे, नेम इनिशियल्स चेक करेंगे, और मैंने बहुत सारे चिट्स भी बना के यहाँ पे रखे हुए ताकि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकूँ कि आपकी शादी किससे होगी और कब तक हो सकती है, ठीक है ना। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक अ कार्ड रीडिंग। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आज मैंने दो पाइल्स बनाए हैं, ठीक है ना, और इस दोनों पाइल्स का जो सिलेक्शन करना है आपको अपने डेट ऑफ बर्थ पे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आती है या किसी भी मंथ में, ठीक है ना, तो आपका पाइल 1 होगा, ठीक है ना, आप इस वाले पाइल को सेलेक्ट करेंगे। देन आती है पाइल नंबर 2, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 में 17 से 31 में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इस वाले पाइल को सिलेक्ट करेंगे। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ पे अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है, आप दोनों पाइल्स को देख ले और किसमें आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ और फिर सेलेक्ट करें, ठीक है ना। मैं वैसे कमेंट सेक्शन में दे दूंगी इसे, आप वहाँ से जाके अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर ले और फिर अपनी रीडिंग तक पहुँच जाए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल पे भी मैसेज कर सकते हैं, मेल दे सकते हैं मुझे, और इस चीज़ की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से चेक करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में। सो हेलो पाइल नंबर 1, जिनके डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 के बीच में, ये आपकी रीडिंग हुई। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी एंड व्हेन, और कब तक होगी। आपके पर्सन के हम पूरे डिटेल्स देखेंगे कि उनकी नेचर कैसे होने वाली है, उनकी पर्सनालिटी कैसे होने वाली है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, करियर कैसे है, आप दोनों की बॉन्डिंग और रिलेशनशिप कैसे जाएगी, ठीक है ना। जोडियक साइंस भी देखेंगे, चिट्स से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, एक डिटेल्ड पिका कार्ड रीडिंग है, ठीक है ना। और कब मिल सकते हैं, कब आपकी शादी हो सकती है, ये भी चीज़ हम चेक करेंगे आज की रीडिंग में, ठीक है दोस्तों। तो इस रीडिंग को पूरा देखिएगा और चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे किसी भी तरह की प्राइवेट रीडिंग को लेना चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे मेल सेंड करें जिसकी लिंक अपने इंस्टाग्राम आईडी की और मेल, मैं आपको मेल आईडी भी दे दूँगी, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर लें और कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, आप कभी भी देख रहे हो तो ये वैलिड है ना, और फिर ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। आप मेल हो तो भी आप देख सकते हो अपने वाइफ के लिए, और फीमेल हो तो भी देख सकते हो अपने हस्बैंड के लिए। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि आप फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो, इट इज़ वैलिड रीडिंग, ठीक है ना। अगर आपकी डिवोर्स हो चुकी है और आप सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए भी देखना चाह रहे हो तो भी आप इसे देख सकते हो, ठीक है ना, एंड इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये जनरल रीडिंग है तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रही है ना उतनी ही रखिएगा, जो नहीं हो रही है उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ऐसा होता है जनरल रीडिंग में कि बहुत सारी चीज़ें हमसे रेजोनेट हो जाए और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती हैं, ठीक है ना। सो इट ऑल डिपेंड्स, ये सभी डिपेंड करता है। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए टैरो डेक शफल करके रखा हुआ था। तो फर्स्ट कार्ड आई हैव का 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव जस्टिस कार्ड, वी हैव चैरियट, एंड देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल कार्ड, द टावर कार्ड, एंड देन क्वीन ऑफ कप्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगर आपके पर्सन की सबसे पहले जोडियक साइंस की बात करूँ तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन के हो सकते हैं। लिब्रा भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, और किसी वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या फिर आप इन सभी जोडियक साइंस में हो सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है दोस्तों कि आपके पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, ठीक है ना, खुद का कोई काम करते हो। मुझे गवर्नमेंट जॉब की वाइब थोड़ी सी यहाँ पे कम आ रही है, यानी कि 90% लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, एंड 10% के लिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में आपके पर्सन हो सकते हैं लॉ सेक्रेटरी, हो सकते हैं जजेस, लॉयर, यानी कि लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, एडवोकेट, ठीक है, इस तरह के हो सकते हैं। नहीं तो फिर गवर्नमेंट जॉब में किसी ना किसी ऐसे पोजीशन पे होंगे जहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होगी, ठीक है, एंड ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड
कुछ लोगों के लिए तो मैंने ये बता दिया कि आपके पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं और किस फील्ड से हो सकते हैं वो भी मैंने बताया। एंड ज़्यादा चांसेस मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड लग रहे हैं, तो आपके पर्सन के हो सकते हैं बिजनेस हो, ट्रेड करते हो, एक्सपर्ट हो किसी तरह चीज़ का, ठीक है ना। मतलब कैसे भी होंगे तो आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा एक एक्सपर्ट की तरह नॉलेज होगी जिस भी करियर में होंगे, ठीक है ना। एंड वो हाईली डेडिकेटेड होंगे अपने वर्क के ऊपर में, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पर्सन फोकस्ड होकर वर्क कर रहा है, तो आपके पर्सन का ये नेचर होगा कि वो किसी भी काम को करते होंगे तो काफ़ी फोकस्ड होकर करते होंगे, कमिटमेंट दे देते होंगे किसी वर्क को, तो काफ़ी ज़्यादा कमिटेड होते होंगे, मतलब उस गोल को पूरा करते होंगे। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन के साथ बहुत सारे लोग मिलकर काम करते होंगे और आपके पर्सन उन सभी लोगों को गाइड करते होंगे, ठीक है ना। ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपके पर्सन इंजीनियर हो सकते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को मतलब गाइड करते होंगे कि आपको कैसे एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर को तैयार करना। आपके पर्सन आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ पर्सन के लिए मुझे यहाँ पे इंजीनियर भी नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। तो आपके पर्सन के अंडर बहुत सारे लोगों का काम होता होगा और आपके पर्सन एक गाइड की तरह, मेंटर की तरह उन्हें रास्ता दिखाते होंगे। खुद का एक बिजनेस भी हो सकता है और ट्रेड भी करते हो, ठीक है ना। और जो भी करते होंगे उसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाते होंगे। एंड आपके पर्सन को करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली होगी। एंड मुझे यहाँ भी ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करते होंगे, ठीक है। यानी उन्हें सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती होगी, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके सक्सेस पाया होगा। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में भी, फ्यूचर में भी, वो अचीव तो बहुत कुछ करेंगे बट आसानी से नहीं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उन्हें मेहनत करना पड़ेगा और काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आपके पर्सन किसी भी सिचुएशन, मैंने बताया ना कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो वो कैसे भी स्ट्रगल को, भले ही बहुत सारे स्ट्रगल्स उनके लाइफ में आएंगे ना, ठीक है, करियर को लेके, उनका करियर एक सिंपल पाथ पे नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके पास फाइनेंशियल्स नहीं होंगे, मैंने कहा कि उनकी अचीवमेंट तो बहुत सारी होगी, आई कैन सी दैट फ्रॉम योर कार्ड्स, बट वो अचीवमेंट काफ़ी स्ट्रगल के बाद होगी, ठीक है ना। वो स्ट्रगल करेंगे और बट यहाँ पे एक अच्छी बात आपके पर्सन की मुझे ये लग रही है कि वो किसी भी तरह के डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, स्ट्रगलिंग मोमेंट पे अपना कंट्रोल नहीं खोते होंगे, उन उस मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बना के रखते होंगे, ठीक है। वी हैव जस्टिस कार्ड हियर एंड विट एंड द चैरियट कार्ड हियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप दो एलिमेंट्स को देख रहे हैं कि बैलेंस में है, एंड देन यहाँ पे भी एक तराजू है जो कि बैलेंस को दर्शाता है। तो आपकी पर्सनल लाइफ में कभी भी बैलेंस नहीं खोते होंगे, चाहे कितना भी नेगेटिव मोमेंट हो। एंड आपके पर्सन कमिटमेंट के काफ़ी पक्के होंगे, ठीक है ना। तो वो आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, आपको जब कमिटमेंट देंगे तो उस चीज़ के लिए वो बहुत लॉयल होंगे और काफ़ी सीरियस होंगे आपके पर्सन, ठीक है ना। आपके लिए हाई फीलिंग्स होंगे। एंड यहाँ पे ये चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के लिए, नहीं, आपके पर्सन के मन में, ठीक है ना, आपके लिए बहुत सारे फीलिंग्स होंगे, ठीक है, जब आप दोनों एक साथ आएंगे। बट वो आपको स्टार्टिंग में अपने फीलिंग्स को नहीं दिखाएंगे, ही विल हाइड हिज फीलिंग्स फ्रॉम यू। इसलिए नहीं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होगा फीलिंग्स बताने से, इसलिए कि वो थोड़े से शर्मीले होंगे नेचर के, मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रहा है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा काम करते हो, दो जॉब भी करते हो सकते हैं। हो सकता है कि मैंने बताया कि हो सकता है वो किसी गवर्नमेंट जॉब में हो और बिजनेस भी करते हो, ठीक है। बहुत सारे चांसेस यहाँ पे मुझे इस चीज़ के भी लगे। पर्सन एक हाईली इमोशनल पर्सन होंगे, ठीक है ना, उनमें इमोशंस काफ़ी भरा होगा। हाँ, और मुझे यहाँ पे यह भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जब भी आपको देखेंगे तो वो काफ़ी एंशियस हो जाएंगे, ठीक है ना, नर्वस हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि जिसको हम लाइक करते हैं, अगर वो पर्सन हमारे सामने आ जाते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बात करने को नहीं बनता है, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं क्या बोले क्या नहीं बोले। तो आपको देख के आपके पर्सन इस तरह से बहुत ज़्यादा फील करेंगे, एंशियस हो जाएंगे, ठीक है ना, और अपनी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इस चीज़ को उन्हें समझ में नहीं आएगा। आप लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों की जो मैरिड लाइफ होगी ना, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगी वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा होगा कि आप लोगों की जब शादी हो जाएगी तो आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, एंड उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, ठीक है, आप और आपके पर्सन दोनों साथ में। एंड ये भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप अपने ज्वाइंट, हो सकता है आप लोगों की शादी किसी ज्वाइंट फैमिली में हो जाए और वो फैमिली काफ़ी बड़ी हो और आपकी फ्यूचर स्पाउस ये देखे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ रहा है और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को
मतलब कह सकते हैं उसके नीचे आप काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप अपने लाइफ को खुल के नहीं जी पा रहे हो, आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंड महसूस कर रहे हो, ठीक है ना। इस तरह से आपके पर्सन और आप दोनों को लगेगा कि हम दोनों अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। देन मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप लोग अपने उस फैमिली को छोड़ के एक अलग घर में रहने चले जाओगे, मुझे ये भी फील हो रहा है, ठीक है ना। फॉर सम परसेंटेज ऑफ पीपल, नॉट फॉर ऑल द पीपल, ये आपको पता चलेगा अगर आप इस तरह की फैमिली में जाओगे तो ये कंडीशन अराइज हो सकती है कि आप लोग अपनी बहुत बड़ी फैमिली को छोड़ के कहीं छोटे से जगह पे शिफ्ट हो जाओगे। मतलब छोटे से जगह कहने का मतलब आप लोग अकेले रहने चले जाओगे, ठीक है ना, बोथ ऑफ यू। ऐसा इसलिए होगा बिकॉज आपके पर्सन आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स में नहीं देख सकेंगे, ठीक है ना। उन्होंने खुद तो अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल किए होंगे पास्ट में भी और आगे भी, वो करियर में लेके वो करते होंगे, करेंटली भी वो कर ही रहे होंगे स्ट्रगल, ठीक है ना। बहुत हार्ड वर्क करना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी आपके पर्सन के ऊपर में, और इस चीज़ को वो ये नहीं सहेंगे कि आपके ऊपर भी उतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आए, ठीक है। वो चाहेंगे कि वो तो हार्ड वर्क कर रहे हैं बट आपको एक फ्री लाइफ मिले, आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ जियो। और जब उन्हें फील होगा कि आप भी इस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जॉइंट फैमिली में आके बंद रहे हो, आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा दबी जा रही है, फ्रीडम आपको नहीं मिल रही है, देन वो हो सकता है कि अपनी उस फैमिली को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाए आपके साथ, ठीक है, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है। और आपके पर्सन विद द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड हियर काफ़ी ज़्यादा आपको फील करेंगे कंपैशनेट। कंपैशनेट एक ऐसा चीज़ होता है जो लव के ऊपर होता है, ठीक है ना, वो डिवाइन होता है, इट इज़ अ हायर काइंड ऑफ लव। तो प्योर लव को हम कंपैशन कह सकते हैं, वो चीज़ आप लोगों के बीच में होगी एंड दैट इज़ लाइक अ गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ यू। आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे एक दूसरे के साथ, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं हॉलीडे बिताएंगे, ठीक है, एंड काफ़ी सपोर्टिव होंगे आपके पर्सन। और आपके पर्सन को ऑनेस्टी बहुत पसंद होगी, हो सकता है कि आपके पर्सन को ये फील हो कि आपकी जॉइंट फैमिली में आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आपको एक अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, हो सकता है ये भी हो। तो तब आपके पर्सन इस चीज़ को सहेंगे नहीं एंड देन वो मूव आउट करेंगे, ठीक है, और आप लोग आपके साथ अलग कहीं पे सेटल हो जाएंगे। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। इंटीग्रेशन, आपके पर्सन को लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत पसंद होगा। मैंने पहले बताया कि आपके पर्सन किसी भी तरह से अपने लाइफ में कंट्रोल नहीं खोएंगे, ठीक है ना, तो वो अपने लाइफ में बैलेंस बना के चलेंगे एंड इंटीग्रेशन का कार्ड ये बता रहा है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो एंड ये भी हो सकता है कि आप दोनों का नेचर काफ़ी अलग हो। हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो, रफ एंड टफ हो, और आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, काम हो, सॉफ्ट हो, इस तरह का नेचर हो सकता है। नहीं तो वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी सॉफ्ट, काइंड एंड जस्टिस लविंग हो, आप काफ़ी रफ टफ हो, ठीक है ना, बोलने में। एंड अनदर कार्ड आई गॉट वॉज पास्ट लाइफ्स, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, ठीक है, आप लोग पिछले जन्म से ही लाइफ पार्टनर बनते आ रहे होगे एंड आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों का, एंड आप लोग एक दूसरे को बैलेंस करोगे। आपके पर्सन को बैलेंस काफ़ी पसंद होगा अपने लाइफ में, किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं होने देते होंगे, इसलिए आपको लेके वो चले जाएंगे जब देखेंगे कि आपके ऊपर एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो रही है। पोस्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है, विद दिस कार्ड हियर मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन है ना, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हैं और ये पर्सन आपको देख रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपके दूर के रिलेटिव में हो, ठीक है ना, और ये आपकी किसी न किसी जानने वाले से बात कर रहे हैं कि आपके घर रिश्ता भेजे सो दैट कि आपसे उनकी शादी हो जाए, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है, जानते हैं आपके बारे में एंड देन आपके घर ये रिश्ता लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। ये न्यू पर्सन होंगे और आपको बहुत दिन से लाइक करते हैं और आपके अंदर एक पोटेंशियल अपने वाइफ या हस्बैंड को देखते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे फील हो रही है और आपके पर्सन मतलब जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में अभी बता रही हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा एक खुशनुमा पर्सन की तरह देखते हैं, काफ़ी खुश रहने वाला, काफ़ी जॉयस, इसलिए वो अपने लाइफ में आपको लेके आना चाह रहे हैं बिकॉज उन्हें फील होता होगा कि मेरी लाइफ काफ़ी अपोजिट है, ठीक है ना। हो सकता है उनको अपनी लाइफ में खुशी महसूस नहीं होती हो, काफ़ी अलोनलीनेस ऐसा दुख उन्हें फील होता होगा, ठीक है, बट वो सोचते होंगे कि ये पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए, आपके लिए वो विश करते होंगे तो मेरी लाइफ कलरफुल हो जाएगी, ठीक है, मुझे ये चीज़ फील हो रहा है। और आपके पर्सन कुछ टाइम बाद आपको शायद आपके घर में ये पर्सन आपके लिए रिश्ता लेके आ सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपोजिट एलिमेंट्स कंबाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों ही पर्सन एक
अपोजिट कह सकते हैं कल्चर, या किसी न किसी तरह से आप लोगों में डिफरेंस होगा, स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है, कास्ट डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, और इस वजह से आपके पर्सन आपके घर रिश्ता नहीं भेज रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस, पोस्टपोन कर रहे हैं इस डिसीजन को, बाद में करेंगे बाद में करेंगे, शायद उन्हें लग रहा है कि रिजेक्शन मिल जाए। बट आप दोनों की मैरिज होगी अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है कास्ट में, तो मैं यहाँ पे एक बात बोल सकती हूँ कि हाँ आपकी उनके साथ मैरिज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये चीज़ लग रहा है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और काफ़ी बैलेंस भी आ रहा है यहाँ पे, ये चीज़ दिख रहा है। तो आप दोनों कंबाइन होंगे, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि आप लोग की मैरिज नहीं चलेगी, बट आप उनको गलत साबित करेंगे। आप लोग काफ़ी इंटीग्रिटी के साथ, ठीक है ना, काफ़ी पावर के साथ, काफ़ी बैलेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। काफ़ी आप लोगों में डिफरेंस होगा इवन देन, ठीक है। वी विल टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस टेक, द ड्रीम। ओके, मैंने बताया कि द ड्रीम, ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी सपना देख रहे हैं, ठीक है। देखिए एक मिनट, ये पर्सन देख रहे हैं, ठीक है ना, एंड ये सोच रहे हैं कहीं और देख रहे हैं, एंड सिमिलर इज दिस कार्ड, ये पर्सन भी देख रहे हैं और आप यहाँ पे कपल हैं, ठीक है, तो आपको ये पर्सन लेके सपना देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपके लिए कोई पर्सन ऐसे है आपके लाइफ में जो आपको देख के विश कर रहे हैं, तो आपकी शादी उनसे हो सकती है, ठीक है ना। हो सकता है आपको पता भी ना हो, इवन देन ये पर्सन आपके बारे में देख रहे हैं ड्रीम, एंड आपसे ये मिलेंगे, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और टाइम फ्रेम की बात करूँ कि आप लोग कब तक मिल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ 2 साल लग रहा है, ठीक है। आप लोगों की 2 साल में मैरिज होगी, ठीक है, यानी इन द कमिंग 2 ईयर्स। और ये भी फील हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जल्द, ठीक है ना, कोई रिलेशनशिप एंटर होने वाला है, ठीक है, लाइक इन द 4 to 6 or 7 months ये रिलेशनशिप एंटर होगा आपके लाइफ में, और आपकी शादी 2 साल में हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी शादी 1.5 साल में भी हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ द टाइम फ्रेम विच आई कैन सी। चलिए और कार्ड्स लेते हैं और कुछ और पता लगाते हैं आपके पर्सन के बारे में, हु विल यू मैरी, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी इन लाइफ। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ओके। तो आप लोगों के बीच में, ठीक है ना, कुछ डिफरेंसेस होगी और उस चीज़ को लेके आपके पर्सन काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक है, और इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और लेकिन उस चीज़ के ऊपर में वो वर्क करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आप जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इनसिक्योरिटीज़ हो रही होगी बताने में, ठीक है। अगर नहीं तो फिर हो सकता है आप लोग सिंगल है, तो फर्स्ट टाइम जब आप मिलेंगे तो आपके पर्सन आपको अंदर से लाइक तो करेंगे, आपको अपने लाइफ में एंटर कराना चाहेंगे, मतलब एज मैरिज शादी करना चाहेंगे और आपके बारे में ड्रीम भी देखेंगे, बट उन्हें थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ होगी आपको बताने में, किसी तरह से डरेंगे, हो सकता है आपकी फैमिलीज की वजह से डरें। एंड यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो कुछ लोगों के लिए आपके लिए 8 months में भी किसी ना किसी तरह से आपकी शादी की बात स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं, सो मैं अलग अलग टाइम फ्रेम बता रही हूँ, आप अपने कंडीशन के साथ इसे मैच करिएगा, बट डेफिनेटली 1.5 साल, 4, 5, 6, 7, 8 months, ठीक है ना, इसमें आपके लिए कुछ रिलेशनशिप की बात हो सकती है, 2 साल में आपकी शादी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 1.5 साल में भी हो सकती है। द थिंकिंग मैन, ओके। तो द थिंकिंग मैन आपके पर्सन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके पर्सन किसी न किसी तरह के एक्सपर्ट होंगे, जो भी काम करते होंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा और आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कोई पर्सन। वी हैव द थिंकिंग मैन कार्ड हियर, ठीक है ना, थिंकिंग मैन एंड द ड्रीम। तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर आने वाले टाइम में ये पर्सन जब भी आपसे मिलेंगे आपके बारे में बहुत सोचेंगे। एंजल ऑफ लव, ठीक है, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर लव इन योर लाइफ देन दिस पर्सन इज़ लाइक एन एंजल ऑफ लव एंड ही विल बी वेरी कंपैशनेट। कंपैशनेट तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा होंगे ही, लव ऑफ हायर काइंड, ठीक है ना, प्योर लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कोई डिमांड नहीं इस रिलेशनशिप में, ये चीज़ मुझे यहाँ फील हो रहा है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको पैम्पर करेंगे, केयर करेंगे, ठीक है, एंड आपको केयर करने के लिए हो सकता है आपकी प्रोटेक्शन के लिए वो अपने फैमिली को भी लीव कर सकते हैं, इफ़ आपकी फैमिली में आपको जस्टिस नहीं मिलेगा तब, ठीक है ना, आई कैन फील दैट फ्रॉम योर कार्ड्स फॉर सम परसेंट ऑफ पीपल। चलिए हम देखते हैं और भी, प्लीज एंजल्स हेल्प मी इन गाइड, प्लीज एंजल्स, फिर आपके लिए चिट्स भी निकालेंगे, प्लीज एंजल्स हेल्प मी इन गाइड। ग्रोथ,
ओके तो इस पर्सन के साथ आप काफ़ी ग्रोथ करेंगे, ठीक है, एंड आपके पर्सन को भी ऐसा फील होता है कि आप दोनों काफ़ी ग्रो करेंगे, आपके पर्सन आपको काफ़ी एक प्रॉस्पेरस पर्सन, एक मैच्योर पर्सन, एक हैप्पी पर्सन की तरह देखते हैं, इसलिए आपको वो अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आप दोनों हो सकता है काफ़ी डिफरेंट हो, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है सीरियस रहते हो, सैड रहते हो, बट उन्हें एक हैप्पी बबली टाइप के पर्सन पसंद हो, इसलिए वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ही सी यू एज अ वेरी हैप्पी प्रॉस्पेरस पर्सन, ठीक है ना, लाइक अ ग्रीनरी, कलरफुल, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा फील होता होगा कि उनके लाइफ में कोई खुशी नहीं है, तो आपको वो लाइक करेंगे। रिलीज, ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोग किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ हैं, तो तब आप अपने कार्मिक पार्टनर, मोस्टली मुझे कार्मिक पार्टनर लग रहा है, जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप नहीं चल रही है करेंटली, आप जिस पार्टनर के साथ हो वो आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, उनके साथ आपकी काफ़ी टॉक्सिसिटी चल रही है, काफ़ी स्ट्रगल चल रही है, तो आप लोग उनको रिलीज़ करेंगे, ठीक है ना, देन आपके लिए 6 to 7 months में कोई रिलेशन आएगा, एंड ये अरेंज मैरिज भी हो सकता है, बट ये पर्सन आपको बहुत दिनों से देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आपके बारे में ड्रीम देख रहे हैं, ये भी हो रहा है, ठीक है, आई कैन सी दैट। जो आए, वाओ, डेफिनेटली आप दोनों के ये एंजल ऑफ लव है एंड जॉय, ठीक है, तो ये पर्सन आपके लाइफ में बोथ लव, कंपैशन एंड जॉय एंड हैप्पीनेस लेके आएंगे, ठीक है ना, आप काफ़ी ज़्यादा इस तरह से हैप्पी फील करेंगे विद दिस पर्सन, ठीक है ना, एंड ये पर्सन भी, इस पर्सन के लाइफ में भी अगर खुशियाँ नहीं हैं, अगर उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किए, हो सकता है वो करियर में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, देन आपके आने से उनके लाइफ में काफ़ी बैलेंस आएगा, वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, ठीक है ना, आप उनकी सपोर्ट करोगे इमोशनली, उन्हें अपलिफ्ट करोगे, एंड वो काफ़ी खुश महसूस करेंगे और आप भी उनके साथ काफ़ी खुश महसूस करोगे, एंड ही विल रियली केयर अबाउट यू, एंड ये मुझे लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर में हो सकता है कि फैमिली की काफ़ी, कुछ लोगों के लिए फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होगी, एंड उस चीज़ के चलते आप काफ़ी सफ़र करोगे, देन आपके पर्सन जो है आप लोग आपको लेके कहीं और मूव करेंगे, ठीक है ना, कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे। वेट, बैलेंस, ओह माय गॉड, सो बैलेंस बहुत बहुत बार आया, ठीक है, यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है, ठीक है ना, आई कैन फील दैट, तो बैलेंस आपके पर्सन जो है ना काफ़ी बैलेंस लेके आएंगे आपके लाइफ में, अगर आपके पास करियर अच्छा नहीं है, आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है, कभी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कभी इमोशनल प्रॉब्लम आता है, कभी कोई फिजिकल प्रॉब्लम आता है, तो वो सब आपके पर्सन के एंटर होते ही आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना, सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो जाएंगे, सारे फेजेस बैलेंस हो जाएंगे आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स, आई कैन फील दैट, बहुत ज़्यादा आपके लिए बैलेंस का कार्ड आया, आपके पर्सन किसी तरह के ट्रैवलर हो सकते हैं, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, ठीक है, चलिए हम आपके पर्सन के लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकालते हैं, हो सकता है ये आपके नेम इनिशियल्स हो या आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, आई, ओके, एल, आई एल एक्स, फॉर सम परसेंट ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो आई फील दैट यू हैव टू रिलीज योर एक्स पर्सन, वेट, यस, हियर, रिलीज योर एक्स पर्सन, ठीक है ना, एंड देन यू विल मीट दिस न्यू पर्सन एंड ही विल ब्रिंग हैप्पीनेस, बैलेंस, joy into your life and he will be angel of love and this person may be currently dreaming about you and you are unaware, आपको पता नहीं है ये person आपके बारे में सपना देख रहे हैं and ये आपके लिए एक life लेके आएंगे, ठीक है ना, मतलब life कहने का मतलब खुशियाँ, joy, जीने का एक उत्साह, excitement, like that, let me shuffle, E, okay, आई एल एक्स एंड ई, तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं जहाँ जिस मंथ में आप लोग मिल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है, ठीक है, नवंबर, आप लोग नवंबर में मिल सकते हैं, सितंबर में भी मिल सकते हैं, या फिर आपका डेट ऑफ मंथ हो, यहाँ पे आपका मतलब बर्थडे आता हो इस मंथ में, ठीक है ना, मई, ये सब इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपके लिए हो सकता है आप इसी मंथ में मिलो, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप या रिश्ते आए थ्रू अरेंज मैरिज और एनीथिंग, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिल सकते हो, ठीक है, सो चलिए नेम इनिशियल्स तो हम लोग देख चुके हैं, ये फिजिकल ट्रेड्स देखते हैं,
आपके पर्सन दिखने में कैसे हैं, उनकी पर्सनालिटी की कुछ खास बातें जिससे आपको उन्हें आइडेंटिफाई पहचान करने में आपको आसानी हो जाए, ठीक है। फेयर, गोरे रंग के होंगे एंड आपके पर्सन को फेयरनेस बहुत पसंद होगी, मतलब जस्टिस लविंग होंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे आपके साथ, ठीक है। स्मॉल नोज, छोटी नाक होगी, इसलिए वो अपने, अगर आपकी फैमिली आपके साथ, उनकी फैमिली आपके साथ अगर सही ट्रीटमेंट नहीं देगी, इफ़ ही फील्स लाइक दैट, तो वो उन्हें भी छोड़ देंगे आपके साथ फेयरनेस करने के लिए, जस्टिस करने के लिए, ठीक है ना। वो जस्टिस लविंग पर्सन होंगे, जो भी उन्हें गलत लगेगा उन्हें वो छोड़ेंगे। स्ट्रेट नोज, छोटी नोज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए स्ट्रेट नोज भी हो सकती है। ब्लॉन्ड हेयर, ठीक है, कुछ लोगों के लिए कलर्ड हेयर हो सकता है, आपके पर्सन ब्राउन टाइप का या ब्लॉन्ड हेयर होगा, यहाँ पे भी है। अपने हेयर को काफ़ी सजा के रखते होंगे या अच्छे से हेयर कट करके रखते होंगे। लड़कियाँ होंगी तो बाल को कलर करना और बाल को खूब सुंदर से सजा के रखना, ऐसा होगा। फुल लिप्स, ठीक है, तो लिप्स बड़े होंगे, ठीक है, इन साइज टू कर्व्स, ओके। पफी हेयर, तो हेयर बहुत सुंदर होगे, ठीक है ना, आपके पर्सन के। शॉर्ट हेयर, कुछ लोगों के लिए छोटे हेयर भी हो सकते हैं। चलिए करियर देखते हैं, आपके पर्सन किस करियर में हो सकते हैं, उनका कैसा प्रोफेशन होगा, कुछ तो बताया मैंने कुछ लोगों के लिए, और चेक करते हैं। सपोर्ट, योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले कहा था ना, वो अपने मन की कुछ करते होंगे, ठीक है ना, जिनसे उनका लाइफ, जिनसे उनकी सोल खुश होती है अपने मन का, ठीक है। कोई बिजनेस हो, सपोर्ट अगेन, ओ माय गॉड, फॉर टू टाइम्स, हो जाता है आपको भी करियर में काफ़ी सपोर्ट करेंगे और आपके लाइफ में भी बैलेंस लेके आएंगे, ठीक है। आप दोनों एक ही करियर को कर सकते हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप और आपके पर्सन दोनों एक ही तरह के करियर में हो, या फिर आप उनसे अपने कह सकते हैं वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ, या फिर हो सकता है ये पर्सन आपकी कलीग हो और आपको बहुत दिन से आपका ड्रीम देख रहे हो, ठीक है ना। एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ये आपको प्रपोज करेंगे और आपको पता चलेगा कि ये पर्सन, ठीक है ना, दैट ही लाइक्स यू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऐसा हो सकता है। ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, तब वहाँ से भी आपको प्रपोजल आ सकता है। यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है, तो आपके पर्सन जो भी करते होंगे उनके लिए वो राइट होगा। या आप हो सकता है कुछ लोग जिनके बारे में सोच रहे हो वही हो सकते हैं आपके पर्सन। फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज, ठीक है, काफ़ी फ्रीडम महसूस करते होंगे लाइक अ बॉस आपके पर्सन करियर में। ट्रस्ट, ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ, ठीक है। सो उनका करियर ऐसा होगा कि जिसमें वो काफ़ी ट्रस्ट करते होंगे, या फिर आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील होगा कि आपके पर्सन गाइड हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, ठीक है। वी विल टेक सफल एंड काफ़ी अपने करियर में काफ़ी फ्रीडम महसूस करते होंगे, ठीक है। इंजीनियर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, स्टडी रिलेटेड कोई जॉब होगा, ठीक है, लाइक टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, तो थिंकिंग मैन का भी कार्ड है, तो स्टडी यानी प्रोफेसर हो सकते हैं, जॉब और टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर रिसर्चर भी हो सकते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनिस्ट भी हो सकते हैं। टू कट्स, इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, नेचर से रिलेटेड कोई काम करते हो या उनका खुद का ऑर्गेनिक फार्म हो, ऐसा कुछ होगा। एंड वी हैव लेट गो कार्ड, वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का करियर में काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है, या फिर आपके लिए, तो मैंने बताया कि आपके पर्सन के करियर में स्ट्रगलिंग टाइम होंगे, ठीक है। सो ये चीज़ है। चलिए और चीट से हम देखते हैं आपके पर्सन के कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स। वार्म्थ, विद द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड मैंने जिक्र किया था कि आपके पर्सन काफ़ी कंपैशनेट होंगे, आपको काफ़ी वार्म्थ फील कराएंगे, ठीक है ना, मतलब आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे, लाइक अ चाइल्ड फील्स विथ हिज और हर मदर, ठीक है ना। अपने मदर के साथ कैसे एक बच्चा फील करता है, कंफर्टेबल लाइक दैट, मॉडर्न, आपके पर्सन मॉडर्न ख्याल के होंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। फ्लेक्सिबल, एडजस्टमेंट करेंगे आपके साथ जो भी डिफरेंशियल्स हो गए, अगर कास्ट डिफरेंस है, कुछ भी तरह का डिफरेंस है, विच आई फील फ्रॉम योर कार्ड्स कि कुछ डिफरेंसेस होगा आपके पर्सन के साथ, तो वो एडजस्ट करेंगे उसके साथ, ठीक है। पेट्स, आपके पर्सन के पास पेट्स हो सकते हैं, आपके पास भी हो सकते हैं। ड्रीमी, ओ माय गॉड, ड्रीमी एंड द ड्रीम, डेफिनेटली अ पर्सन इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू, ठीक है ना। ये देखिएगा आप लोग, कोई आपके बारे में ज़रूर ड्रीम कर रहा है, एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली प्रपोज यू आफ्टर सम टाइम।
रिग्रेट, आपकी पर्सन को किसी न किसी बात का दुख हो रहा होगा, ठीक है, या फिर बहुत अफसोस करते होंगे जब उनके लाइफ में उनसे कुछ गलती हो जाती होगी, ठीक है। सो पाइल नंबर वन ये थी रीडिंग आपके लिए, हु विल यू मैरी एंड व्हेन। आई होप सो आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल साबित हुई होगी, आपको कुछ आइडिया आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपके लिए हमेशा एक नई और एक अच्छी गाइडेंस वाली वीडियो लेके आती हूँ, सो दैट आपकी हेल्प हो जाए, आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। सो सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में, एक नई रीडिंग में, एंड तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर टू, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आती है, तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस रीडिंग में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो इस रीडिंग में हम देखने वाले हु विल यू मैरी एंड व्हेन, आपकी शादी किससे होगी और कब होगी, ठीक है ना। तो हम इस रीडिंग में आपके पर्सन के नेचर, पर्सनालिटी, प्रोफेशन, नेम इनिशियल्स एंड जोडियक साइंस, आप दोनों की बॉन्डिंग, ठीक है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द डिटेल्स हम इस रीडिंग में कवर करेंगे, एंड ये भी देखेंगे कि कब तक होगी आपकी शादी। तो इस रीडिंग को पूरा देखिएगा दोस्तों, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो सम पार्ट ऑफ दिस रीडिंग मे रेजोनेट विथ यू एंड सम पार्ट मे नॉट, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो आपके साथ रेजोनेट हो रही है उतनी रखें एंड बाकी सबको जाने दें, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज़ दैट इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, सो आप कभी भी देख रहे हैं ना, इट इज़ वैलिड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है ना, किसी भी मंथ, किसी भी महीने, किसी भी ईयर, कभी भी, ठीक है ना, उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना। आप अपने फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो, देन इट इज़ वैलिड रीडिंग। सेकेंड मैरिज अगर आप डिवोर्सी हो तो आप देख रहे हो, देन इट इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर दैट रीडिंग्स, फर्स्ट मैरिज, सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज, ठीक है। तो चलिए आपके लिए मैंने टैरो डेक शफल करके रखे है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, अनदर इज सेवन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटेकल्स, ओके, वेरी नाइस, किंग ऑफ कार्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस कार्ड। लेट मी अरेंज द कार्ड्स। सो माई डियर फ्रेंड्स, अगर मैं जोडियक साइंस की बात करूँ तो आपके पर्सन जोडियक साइंस में मुझे लग रहे हैं अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड देन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। हो सकता है आप जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो, या फिर आप भी कहीं ना कहीं मुझे वाटर साइन के भी नज़र आ रहे हो, ठीक है। इवन दो यहाँ पे वाटर साइन नहीं है तो भी मुझे लग रहा है कि आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हो, ठीक है। एंड वर्गो भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, हो सकता है आप वर्गो हो या फिर आपके पर्सन वर्गो होंगे, ठीक है। आई कैन सी दैट फ्रॉम योर कार्ड्स, तो मुझे फील हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपने इस कार्ड को अगर अच्छे से देखा होगा तो इस वाले कार्ड, इस वाले कार्ड, इस वाले कार्ड, ठीक है ना, यू कैन सी अ पर्सन सिटिंग ऑन द थ्रोन, ठीक है। एंड दैट रिप्रेजेंट कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजिशन पे होंगे, ठीक है ना, काफ़ी पावर होगी, अथॉरिटी होगी, लीडरशिप होगी उनमें, एंड लीडर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है ना, लीडर करियर में भी हो सकते हैं या किसी भी तरह के लीडर हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड फॉर सम परसेंट ऑफ पीपल आई फील लाइक दैट कि आपके पर्सन कोई स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ाते हो या बताते हो, या फिर किसी तरह के कॉलेज में, ठीक है ना, वहाँ पे डीन हो या कहीं ना कहीं, ठीक है ना, प्रोफेसर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एजुकेशन के फील्ड में भी काफ़ी उन कि एक हाई पोजीशन होगी, काफ़ी रिस्पेक्टेड होंगे एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है ना, जो भी पढ़ाते होंगे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट होगी, ही और शी विल बी हाईली नॉलेजेबल पर्सन, उनके पास ऐसी नॉलेज होगी जो किसी के पास भी नहीं होगी, और जब वो पढ़ाते होंगे तो हो सकता है अपने स्टूडेंट्स के फेवरेट टीचर, प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी फेमस पर्सन हो, ठीक है ना, जो कि पढ़ाई से या नॉलेज से रिलेटेड हो सकते हैं, वो एजुकेशन के फील्ड की नॉलेज भी हो सकती है या फिर स्पिरिचुअलिटी की भी नॉलेज हो सकती है। आई कैन फील दैट फ्रॉम योर कार्ड्स, ठीक है। आपके पर्सन का करियर पे फोकस होंगे, ठीक है ना, रिलेशनशिप, मैरिज उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है करेंटली, वो इस चीज़ से काफ़ी दूर भी भागते हैं एंड वो सिंगल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड अगर उनके सामने कोई, हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स या कोई भी, ठीक है ना, शादी की बात करता हो, रिलेशनशिप की बात करता हो, तो वो उस चीज़ से मुंह मोड़ते होंगे और शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं करेंटली। आई फील दैट योर पर्सन इज़ कम्प्लीटली सिंगल एंड ही इज़ ही और शी,
ठीक है ना, आप ही और शी पे मत जाइएगा, आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है ना, मेरे बोलने में ही आ जाता है ऑब्वियसली बिकॉज आई एम अ फीमेल, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो अपने आप को सिंगल ही रहना पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना, वो चाहते हैं शादी विवाह के ऊपर में उनका ध्यान नहीं है, और अगर उन्हें कोई पूछे ना, फोर्स ना करे, तो वो चाहते हैं कि पूरी लाइफ ही मैं सिंगल बिताऊँ, ऐसा आपके पर्सन का मंशा है, ठीक है ना। उन्होंने अपनी थॉट और थिंकिंग बना के रखी हुई है, क्यों, क्योंकि उन्हें काफ़ी हार्ट ब्रेक मिल चुका है ऑलरेडी पास्ट में, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है। एंड फॉर सम परसेंट ऑफ पीपल ये भी लग रहा है कि आप जिनसे शादी करने वाले होंगे उनकी कोई पास्ट की शादी टूटी हो, ठीक है ना, बहुत कम चांसेस है, बहुत कम परसेंट के लिए बता रही हूँ कि आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए उन ऐसे लोग के साथ शादी हो सकती है जिनकी पहले से कोई मैरिज टूट चुकी है, एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन सिंगल हो बहुत टाइम से, बट उनके पास्ट में किसी न किसी तरह का हार्ट ब्रेक हुआ है, एंड वो बहुत सीवियर हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, जिसको लेके आपके पर्सन काफ़ी करेंट सिचुएशन में शादी विवाह मैरिज को लेके अब सोचना भी नहीं चाहते कि किसी पर्सन को अपने लाइफ में एंटर कराया जाए, ठीक है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। अभी करियर के ऊपर मैं काफ़ी फोकस्ड है आपके पर्सन पेट लविंग होंगे, ठीक है, उनकी कंडीशन भले ही ऐसी कि वो किसी को अपने लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाह रहे एज लाइफ पार्टनर, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पर्सन बुरे होंगे या रूड होंगे, नो, आई कैन सी दैट फ्रॉम योर कार्ड्स कि आपके पर्सन एक प्रोटेक्टर होंगे नेचर के, ठीक है ना, आपके पर्सन हो जब आप उनसे मिलोगे, या कुछ लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पता होगा जो लोग मिल चुके हैं कि आपके पर्सन सामने से फर्स्ट टाइम या जब भी आप मिलोगे तो खूब हंसते बोलते मिलेंगे, खूब अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, आपको लगेगा भी नहीं कि इस पर्सन के लाइफ में किसी तरह का दुख है, आपके पर्सन दिल में काफ़ी राज दबा के बैठेंगे कि मेरे उनके उनको पास्ट में काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है, ठीक है ना, एंड वो चीज़ सामने से फेस पे रिवील नहीं होने देते होंगे, वो सामने में सोसाइटी में अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग पर्सन की तरह, एस्टैब्लिश्ड पर्सन की तरह दिखाते होंगे, ठीक है ना, बट अंदर से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत इमोशनल और बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, उन्हें दुख हुआ है जिस चीज़ को वो कवर अप करके चलते हैं, किसी को भी नहीं बताते हैं, ठीक है, एंड इसलिए वो चाहते हैं कि वो हमेशा सिंगल रहें, बाद में आगे चल के भी उन्हें किसी तरह का हार्ट ब्रेक ना मिले। आपके पर्सन काफ़ी प्योर होंगे, प्योर हार्टेड होंगे, ठीक है ना, वो जानवरों की हेल्प करना, दुखी लोगों की हेल्प करना, जिनको भी वो अगर रास्ते में दिख जाए कोई ऐसा ज़रूरतमंद पर्सन तो उसकी भी हेल्प करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। करंटली आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है, हो सकता है उन्हें उनके फैमिली में बोला जा रहा हो कि शादी कर लो, अपनी लाइफ में किसी और भी चीज़ के ऊपर फोकस करो वर्क को छोड़ के, देन आपके पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज स्टेट में है कि शादी की जाए नहीं की जाए, ठीक है, बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू गेट मैरिड बिकॉज ऑफ द हार्ट ब्रेक एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, बट आपके पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, हो सकता है आपसे मिलने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, आपके इमोशंस आपकी पर्सनैलिटी को देख के आपके पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स को देखते हैं एंड पता लगाते हैं, ये भी हो सकता है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के पास पेट होगा, ठीक है, कोई बर्ड हो सकता है या फिर रैबिट कैट, ये चीज़ हो सकती है आपके पर्सन के पास। वेट, लेट मी शफल, प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड, आपके पर्सन एक प्रोटेक्टर होंगे, आपको भी बहुत प्रोटेक्ट करेंगे आफ्टर मैरिज, आई कैन सी दैट, पहले तो आपसे मिंगल नहीं करेंगे, मतलब बातचीत भी नहीं करेंगे, या फिर रेडी नहीं होंगे शादी करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, बट डेफिनेटली आपको वो, सो डिफरेंट कार्ड्स नीचे गिर गए थे, ऐसा आपके सफलिंग में दो बार हो चुका है, तो मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको हाना हाना करे, ठीक है ना, कि पहले कुछ बहुत कंफ्यूज्ड होंगे आपको लेके, ठीक है, कि शादी करे कि नहीं करे, बिकॉज उनके पास्ट में बहुत सारे हार्ट ब्रेक, बहुत बैड एक्सपीरियंस होंगे रिलेशनशिप को लेके, इसलिए आपसे भी मिलने के बाद वो हाना करेंगे, ठीक है ना, सोचेंगे करे नहीं करे शादी, कमिटमेंट दे, ये पर्सन के साथ मेरी चलेगी नहीं बनेगी कैसा, ठीक है, वैसा सोचेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माई गॉड, ठीक है, सो पहले ही बोल दिया मैंने कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, आपके पर्सन की थॉट चेंज होगी, इस तरह के वो सिंगल मोड से निकलेंगे, आपको देख के कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है ना, और वो सोचेंगे कि चलो ये पर्सन ठीक है, ऐसा होगा, आपकी पर्सनालिटी में कुछ अलग नज़र आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, उनकी थॉट चेंज हो जाएगी, ठीक है। ओ माय गॉड, द लवर्स कार्ड, सो डेफिनेटली वो जिस पर्सन को सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी जो स्ट्रांग थिंकिंग है, स्ट्रांग परसेप्शन है, जो उन्होंने सेट की दिमाग में कि मुझे सिंगल रहना है, वो चीज़ क्यों ट्रांसफॉर्म हो जाएगी,
क्योंकि आप उनके ट्रू लवर होंगे, ठीक है, सोलमेट होंगे, एंड आई कैन फील दैट। आपके पर्सन आपके साथ काफ़ी सिक्योर फील करेंगे, आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा एक फेमिनिटी होगी, फेमिन क्वालिटीज़ होगी, फेमिनिन क्वालिटीज़ लाइक वो बहुत केयरिंग होंगे, ठीक है ना। ही विल बी वेरी लविंग, ही विल बी वेरी केयरिंग एंड बहुत इमोशंस को समझने वाले होंगे और अपने इमोशंस को भी प्रोटेक्ट करके रखते होंगे, सो दैट कि उनके सॉफ्ट हर्ट को कोई हर्ट ना कर सके, ठीक है। आई कैन फील दैट एंड आपको लेके वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे एंड अपनी दिमाग को आपके लिए चेंज करेंगे, ठीक है ना। ही विल बी ट्रांसफॉर्मिंग हिज माइंड और हर माइंड, यू विल बी हिज ट्रू लवर, ठीक है ना। आपका रिलेशनशिप बहुत बहुत स्ट्रांग होगा एंड बहुत प्रॉस्पेरस होगा, आपका मैरिड लाइफ बहुत यहाँ पे कह सकते हैं रोमांस होगा, अट्रैक्शन होगा, स्ट्रांग रिलेशनशिप होगा एंड डिवाइनली गाइडेड होगा, ठीक है। डिवाइन का आपके ऊपर में एक कह सकते हैं आशीर्वाद होगा, आप लोग डिवाइन टाइमिंग में मिलोगे एंड आप लोग अगर वेट कर रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि मेरे साथ कब कोई पर्सन के साथ शादी हो या कब आएंगे पर्सन, तो मैं आपको बता दूं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छे पार्टनर आपके लिए भगवान ने सोच के रखा है एंड ही विल एंटर इनटू स्पेसिफिक टाइमिंग विच गॉड हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड एंड दिस पर्सन विल बी परफेक्ट मैच फॉर यू एंड आप भी उनके लिए परफेक्ट मैच होंगे, ठीक है ना। वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, ठीक है ना। एंड आपके साथ फिर जब एक बार कनेक्शन बनेगा तो फिर वो उस कनेक्शन को तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है, आप उनके हर्ट में अपना एक प्लेस बना लोगे और वो प्लेस इटर्नल होगा, हमेशा के लिए होगा। आई कैन फील दैट एंड बहुत डिवाइन, ठीक है ना। इट विल बी नॉट ओनली फिजिकल अट्रैक्शन, नॉट ओनली इमोशनल अट्रैक्शन, बट ऑल्सो अ स्पिरिचुअल बॉन्डिंग, ठीक है ना। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाओगे, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। जो इमोशंस उन्होंने गार्ड करके रखे हुए, जो इमोशंस किसी के लिए भी नहीं खोला, वो आपके लिए खोलेंगे, ठीक है। बिकॉज आई थिंक आप बहुत ऑनेस्ट होंगे, इस पर्सन की बहुत केयर करेंगे, दैट्स वाई। पार्टिसिपेशन, ओके। तो आप लोगों की मैरिज में बहुत सारे लोग जो है कंट्रीब्यूशन देंगे, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता है ये आप लोग किसी फैमिली गैदरिंग में मिलो, ठीक है ना, या फिर हो सकता है आप लोग किसी ऐसे जगह पे मिलो जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो। कुछ लोगों के लिए अरेंज्ड मैरिज हो सकती है, आप दोनों की फैमिली आप दोनों को मिलवाए। आई कैन फील दैट आपके पर्सन को ज़बरदस्ती उनकी फैमिली आपसे मिलवाने लाए। द माइजर, सो यस डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपके पर्सन अभी द माइजर की एनर्जी में है, ठीक है ना। द माइजर की एनर्जी, अगर आपको कार्ड्स अभी अच्छे से दिख रहे होंगे तो मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन अपने चारों तरफ एक वाल बना के रखा हुआ है, ठीक है ना, दीवाल है। और ये पर्सन कहाँ पे फोकस्ड है, तो पैसे कमाने में, ठीक है, और किसी चीज़ पे ये फोकस्ड नहीं है, दोनों हाथ से पैसे कमाने में बिजी है। तो आपके पर्सन अपने चारों तरफ एक वाल बना के रखे हुए सो दैट उनका रिलेशन या किसी भी तरह का दोस्ती कुछ भी, ठीक है ना, वो नहीं हो किसी के साथ, बिकॉज उन्हें डर लगता है, उनकी इनसिक्योरिटीज़ है, ठीक है ना। पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब है, वो अकेले रहना चाहते हैं एंड क्या करना चाहते हैं, अबंडेंस लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, जिसकी वजह से वो अबंडेंट तो है, लीडरशिप तो है उनके पास, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे तो है ही, प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा है उनके पास। हो सकता है कि उन्हें अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली हो, ठीक है, वो चीज़ है उनके पास, लेकिन इवन देन वो सिर्फ करियर पर फोकस है, अपने फैमिली को ये दिखा रहे हैं कि चलो मैं अभी करियर में फोकस हूँ, शादी विवाह नहीं करना है, बट अंदर से बात ही कुछ और है। और आपके लिए तो पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया, जब भी आपके पर्सन आपसे मिलेंगे, अगर आपसे ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो उनकी दिमाग में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, बिकॉज ठीक है ना, उनका सब कॉन्शियस माइंड आपको पहचान लेगा, उनकी सोल आपको पहचान लेगी, दैट दिस पर्सन ये हार्ट बीट करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, उनकी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएगी आपको देख के, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कैमरा इफेक्ट ऑब्वियसली ये हार्ट बीट करता हुआ नज़र आ रहा है एंड आई कैन सी दैट ब्यूटिफुल हार्ट बीटिंग, ओ माई गॉड, ये स्टील हार्ट है एंड दैट इज बीटिंग लाइक इट हैज़ लाइफ इन इट, ठीक है ना, इसकी इसके अंदर लाइफ आ गई, ऐसे फील हो रहा है। सो पर्सन अगेन दिस हर्ट इज बीटिंग, सो यस डेफिनेटली आपके पर्सन की हर्ट आपके साथ जो वह बीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा फील होगा उनके लाइफ में, जो भी पास्ट के हर्ट ब्रेक थे, लाइक इस हर्ट को बहुत चारों तरफ से, मतलब तीन तरफ से तलवार डाल दी गई हो एंड इसे काफ़ी इंजर्ड किया हो, तो वो आपके साथ हील हो जाएगी एंड योर पर्सन विल बी फीलिंग infinite love, abundance, emotions, support and care and this heart will start beating, ठीक है ना, and ये बहुत amazing लग रहा है मुझे because it is a still photo and camera में ये beat करता हुआ नज़र आ रहा है, it is looking very amazing, ठीक है ना। पहले किसी reading में ऐसा नहीं हुआ है, I am feeling very nice for you all,
द माइजर, तो मैंने बताया आपके पर्सनल इमोशंस को गार्ड करके रखे हुए, पेंटिकल्स पे बिजी है, काम पे बिजी है, एंड किसी भी तरह से अपने आप को किसी भी रिलेशनशिप में इंगेज नहीं करना चाह रहे, एंड बट ही विल डेफिनेटली डू दैट, ही विल बी ट्रांसफॉर्मिंग हिज एनर्जी, ही विल ट्रांसफॉर्म, एंड बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है, एंड ही विल डेफिनेटली से यस फॉर द मैरिज. थंडरबोल्ट विच इज टावर, ठीक है. सो आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टावर मोमेंट हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना, काफ़ी बैड एक्सपीरियंसेस हुए जिस भी रिलेशनशिप से वो गुजरे हैं, जो भी उनके पास्ट रिलेशनशिप रहे, एक या दो, जो भी, वो काफ़ी ज़्यादा उनको लेसन सिखा के गई है. इवन देन आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रांगली खड़े रहे हैं, ठीक है, और इसलिए इमोशंस को गार्ड करके रखा है, कुछ पर्सेंट के लिए, बहुत कम पर्सेंट के लिए, ठीक है ना. आप लोग जो है किसी ऐसे पर्सन से शादी करोगे जो डिवोर्सी है, ठीक है ना, जिनकी मैरिज टूट चुकी है. आई कैन फील दैट. चलिए और भी कार्ड्स निकालते हैं एंड देखते हैं. वंडरफुल रीडिंग, आई एम गेटिंग अ वंडरफुल एनर्जी फ्रॉम योर कार्ड्स. ओके, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल माइकल, आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योरिटीज़ रहेगी, मन में डर रहेगा कि पता नहीं कैसे पर्सन से शादी होगी, पीछे तो बहुत हार्ट ब्रेक हुआ एंड आगे ऐसा ना हो, बट येस डेफिनेटली ही विल बी ट्रांसफॉर्मिंग हिज एनर्जी एंड योर बॉन्डिंग विल बी सो ब्यूटिफुल दैट आई कॉन्ट एक्सप्लेन, ठीक है ना, वो खुद आप एक्सपीरियंस करेंगे. ब्रोकन हार्ट, ओ वाई वाव, वेट, कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है डेफिनेटली, ठीक है ना, एंड दैट्स वाई वो हीलिंग खोज रहे, एंड ये एंड देन ये, ठीक है, वेट, ये दोनों उनका पास्ट है एंड ये उनका फ्यूचर है विथ यू. सो ब्यूटिफुल, सो केयरिंग, वेरी नाइस. हो सकता है आपके भी पास्ट में काफ़ी हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, तो आप दोनों का यूनियन होगा एंड बोथ ऑफ यू विल हील ईच अदर. एनजाइटी, येस डेफिनेटली आप भी हो सकते हैं एनजाइटी वाली सिचुएशन में, आपको भी काफ़ी दुख मिला, आप काफ़ी टेंशन है, ठीक है ना, कि मुझे कोई रिलेशनशिप मिलेगा कि नहीं. हो सकता है आप डिवोर्सी हो, ठीक है ना, एंड आपके पर्सन भी हो सकता है किसी मैरिज को ब्रेक करके आपके पास आएंगे, डेफिनेटली ये चीज़ होगा, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल द पीपल. द सन, ओ वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है ना, इट विल बी एन अमेजिंग अमेजिंग मैरिज, ठीक है ना, योर पर्सन विल बी अमेजिंग, सो केयरिंग, डेफिनेटली वेरी नाइस. बहुत प्रॉस्पेरिटी होगी आप लोगों की, अबंडेंस होगी, आपने जैसा इमेजिन भी नहीं किया उतनी खुशी होगी आपको इस मैरिज में, ठीक है ना, डेफिनेटली. विल टेक वन मोर कार्ड, वेरी हैप्पी फॉर यू. स्टॉर्म वार्निंग, ओके. सो आपके पर्सन अभी काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए, एंड काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, उनके लाइफ में स्टॉर्म चल रही है, काफ़ी उथल पुथल, रिलेशनशिप को लेके, इमोशंस को लेके काफ़ी एंशियस है, ठीक है ना, एंड हर्ट ब्रेक भी हुआ है आपके पर्सन को, इमोशनली काफ़ी हर्ट है, पर वो सामने से नहीं जताते किसी को, एंड इसलिए ये कंडीशन उनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, बिकॉज वो किसी को बता नहीं सकते, पर आपके साथ वो सब कुछ शेयर करेंगे. यू विल बी हीज़ और हर सोलमेट, आई कैन सी दैट. चलिए और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं, और प्लीज़ एंजल्स हेल्प इन गाइड मी फॉर पाइल नंबर टू, हु विल दे मैरी. परसेप्शन, ओ वाओ, आपके पर्सन जिस तरह से लाइफ को देखते हैं, जो भी उनकी थिंकिंग है, जैसा मेंटालिटी उन्होंने सेट करके रखा है कि बुरे लोग होते हैं या फिर मेरे साथ कोई जस्टिस नहीं होगा रिलेशनशिप में, या कोई अच्छे पर्सन नहीं आएंगे, देन दैट विल चेंज विद द बटरफ्लाइज हियर, विद द बटरफ्लाइज हियर, विद द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड हियर. तो आप दोनों की लाइफ जो है ना, पहले पास्ट में जैसी भी रही होगी, जितनी भी एंजाइटी भरी रही होगी, ठीक है ना, आप दोनों जैसे ही साथ में आएंगे, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी, काफ़ी अबंडेंस आ जाएगी, आपके पर्सन काफ़ी अबंडेंट होंगे, ठीक है ना, पैसों की दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ही विल बी किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड आपके पर्सन गुड लुकिंग होंगे, आई कैन फील दैट, बहुत गुड लुकिंग होंगे, चार्मिंग होंगे, आई कैन फील दैट. ग्रैटिट्यूड, ओ वाओ, तो आप दोनों, बहुत सारे हर्ट के कार्ड्स आए, इफ़ आई कैन मेक इट विजिबल टू यू, दिस कार्ड, दिस कार्ड, दिस कार्ड, ठीक है ना, तो दैट्स वेरी ब्यूटिफुल, एंड वी हैव सोर्स कार्ड, ठीक है,
तो बहुत सारे हर्ट के कार्ड आए हुए हैं, तो आपके पर्सन का पास्ट में काफ़ी हर्ट ब्रेक हुआ है। एंड आप दोनों जब भी साथ में आएंगे काफ़ी एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। एंड देन आप लोग एक दूसरे की वर्ल्ड को कंप्लीट करेंगे, आप लोगों का जो भी पास्ट का नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा उसको रिलीज़ करेंगे। एंड येस दिस मैरिज विल बी सो ब्यूटिफुल लाइक नथिंग, ठीक है ना। ऐसे मैरिज बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। आई कैन फील दैट, बहुत कम जैसा कनेक्शन आप लोगों का होगा। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन कार्ड एंड टू ऑफ सोर्ड्स विच डेफिनेटली रिप्रेजेंट कन्फ्यूजन। तो आपके पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज होंगे जब आपसे मिलेंगे कि, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ऐसे है तो वो आपको अपने लाइफ में इंटर नहीं होने देना चाहेंगे। बट आफ्टर टाइम पासेस उन्हें उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उनकी फीलिंग्स में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एंड ही विल बी फीलिंग अट्रैक्शन कनेक्शन विथ यू। एंड दैट कनेक्शन विल बी सो स्ट्रांग दैट इट विल लास्ट एवर लास्टिंग, दैट विल बी एवर लास्टिंग, ठीक है ना। बहुत गॉसिप, तो आपके पर्सन को लेके काफ़ी कुछ लोगों ने उन्हें समझा नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत अच्छे होंगे, प्योर सोल होंगे, आई कैन सी दैट। बट उनको लोगों ने, ठीक है, जिनके साथ भी वो ऑनेस्टी करते होंगे, जिनके साथ भी अच्छाई दिखाते होंगे, वो उनके पीछे गॉसिप करते होंगे, ठीक है ना, उनकी बुराई करते होंगे, उनका फ़ायदा उठाते होंगे और उनसे हेल्प लेते होंगे, या जो भी है रिलेशनशिप में उनके साथ जैसा भी है, जो भी उन्होंने दिया एफर्ट उसके बदले सिर्फ चीट और धोखा मिला, ठीक है, पीछे बुराई। इसलिए आपके पर्सन ने अपने आप को गार्ड कर लिया विद इन द वॉल्स, बिहाइंड द वॉल्स यू कैन से। एंड यस, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। चलिए हम चीट से चेक करते हैं आपके पर्सन के फिजिकल ट्रेट्स कैसे होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए आपके फैमिली के थ्रू आप लोग मिल सकते हैं, ठीक है। और यस, टाइम पीरियड के मैं आपको बता दूं कि कब आप लोग मिल सकते हैं। तो आप लोगों का, मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग, ठीक है ना, 4 मंथ्स में 4 वीक्स में मिल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की बात हो सकती है एंड मैरिज डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है 9 मंथ्स में कुछ लोगों के लिए आप लोगों की मैरिज हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स में भी मैरिज हो सकती है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए इस साल आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी। डेफिनेटली 4 मंथ्स में आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैरिज से रिलेटेड, या तो आप इस पर्सन से मिलेंगे थ्रू योर फैमिली या फिर आप लोगों की इंगेजमेंट हो जाए, ठीक है, आई कैन सी। एंड 16 मंथ्स में भी कुछ ना कुछ, कुछ लोगों के लिए आपकी शादी हो सकती है या इंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है, आई कैन सी दैट। चलिए फिजिकल ट्रेट्स चेक करते हैं। स्मॉल आइज, आपके पर्सन की स्मॉल आइज हो सकती है, शॉर्ट हेयर, छोटे बाल होंगे, लड़कियां भी होंगी तो छोटे बाल रखती होंगी, स्ट्रेट नोज। कुछ लोगों के लिए, आप अगर फीमेल के लिए देख रहे हैं तो आपके जो वाइफ होने वाली है उनकी हेयर काफ़ी सिल्की होगी, ठीक है, डार्क। कुछ लोगों के लिए आपकी फ्यूचर स्पाउस की स्किन डार्क हो सकती है या फिर आप डार्क टोन के हो सकते हैं। फिट रहते होंगे, एक्सरसाइज करना, जिमिंग एंड योगा कुछ भी करते हो बट वो काफ़ी ज़्यादा फिट होंगे बॉडी उनकी। ग्रे हेयर, ओके, तो कुछ पर्सन के ग्रे हेयर हो सकते हैं, कलर करते हो, क्रूक्ड लिप्स, ठीक है, लिप्स कुछ क्रूक्ड टाइप की होगी, ठीक है ना। चलिए नेम इनिशियल्स हम चेक करते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, दो आए, ठीक है, वी से हो सकता है, विशाल, एनीथिंग, लड़कियों के भी नाम हो सकते हैं या फिर आपका भी नाम हो सकता है, एफ से भी हो सकता है, एच। कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनको आप जानते हो, जिनकी ऐसी एनर्जी हो तो उनके साथ भी आपकी शादी हो सकती है, बी एफ। तो कुछ लोगों के बॉयफ्रेंड जिनकी ऐसी एनर्जी है तो उनके साथ आपकी शादी हो सकती है या फिर आप लोग FB के थ्रू भी मिल प्लेटफॉर्म, ओके। वी विल टेक वन मोर चीट एंड सी। W, ओके, W या M कंसिडर कर सकते हैं, ओके। सो चलिए इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं। इस मंथ में आप मिल सकते हैं या फिर आपका बर्थडे आता हो या फिर आपके पर्सन का आएगा। फरवरी, आने वाले फरवरी में आप लोग मिल सकते हैं, ओके। अक्टूबर, मई, ठीक है, कुछ लोग FB के थ्रू इसी मंथ में मिल सकते हैं या फिर आपके कोई एक्स पर्सन हो सकते हैं या कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आप लोगों ने बहुत दिनों से बात नहीं की है, तो वो मई में मिलेंगे और आपको अपनी पूरी पास्ट की कहानियाँ बताएंगे। एंड देन हो सकता है कि
आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए. आई कैन ऑल्सो फील दैट. एंड सेप्टेम्बर इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. चलिए नेचर देखते हैं आपके पर्सन के, कुछ नेचर, कुछ खासियत आपके पर्सन के पर्सनैलिटी में. ईगो सेंट्रिक, ओके. तो फर्स्ट टाइम जब आपसे मिलेंगे तो आपको ईगो सेंट्रिक लगेंगे, आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को आपके सामने ज़बरदस्ती लाया गया हो, ठीक है, लाइक उन्हें शादी नहीं करनी हो फिर भी लाया गया हो, ये चीज़ हो सकता है, इसलिए आपको ईगो सेंट्रिक लगेंगे, बट बात कुछ और होगी. एथलेटिक, फिट भी है, एथलेटिक आया है, तो आपके पर्सन किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो सकते हैं, ठीक है. ब्लैक आइज होगी. केयरिंग, ओके. आपके पर्सन सामने से जो भी दिखाए अपने आप को, लेकिन अंदर से काफ़ी केयरिंग कंपैशनेट होंगे. क्वर्की, ठीक है, थोड़े से आपको पहले समय अजीब लगेंगे जब आपसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे, ओके. सो चलिए हम आपके पर्सन के प्रोफेशन भी देख लेते हैं, कैसे प्रोफेशन में होंगे, क्या होगा उनका करियर, कैसा चल रहा है, क्या प्रोफेशन हो सकता है. स्कूल, सो फॉर सम पर्सन ऑफ यू, कुछ लोग जो इनको देख रहे हैं इस रीडिंग को, ओके, आप लोग स्कूल में मिल सकते हैं, ठीक है ना, स्कूल में किसी वर्क के थ्रू गए हो, स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं आपके ये, ठीक है, लाइक दैट स्कूल फ्रेंड भी हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, या फिर आप लोग स्कूल में मिलेंगे, या फिर आपके पर्सन का खुद का स्कूल होगा, या फिर स्कूल में किसी ना किसी तरह का उनका प्रोफेशन होगा, ठीक है, टीचर, प्रोफेसर, या खुद का स्कूल हो, जो भी स्कूल से रिलेटेड. फ्लावर्स, तो आपके पर्सन नेचर लविंग होंगे, खुद का फ्लावर शॉप हो, या आप लोग फ्लावर शॉप पे भी मिल सकते हैं. म्यूज़िक, आपके पर्सन म्यूजिशियन हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं किसी न किसी तरह के, ओके, सिंगर हो सकते हैं, मतलब म्यूज़िक में कोई भी करियर हो ऐसा हो सकता है, म्यूज़िक एडिटिंग करते हो, म्यूज़िक एडिटर हो, एनीथिंग, बट म्यूज़िक में कुछ ना कुछ होगा. लिरिसिस्ट भी हो सकते हैं, लिरिक्स लिखते हो म्यूज़िक के गाने, या फिर किसी न किसी तरह से म्यूज़िक से रिलेटेड. जस्टिस, ओके, तो आपके पर्सन जस्टिस के फील्ड में हो सकते हैं, जज, लॉयर, ऐसे. क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड द सन का भी कार्ड है, ठीक है, वो कार्ड काफ़ी नीचे चला गया, नहीं तो मैं आपको दिखाती, द सन का कार्ड है, ओके, तो आपके पर्सन काफ़ी क्रिएटिव होंगे, आर्टिस्ट होंगे, एंड म्यूजिक का भी कार्ड आया है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है आपके पर्सन आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव नहीं भी होंगे तो उनमें क्रिएटिविटी काफ़ी होगी, ठीक है, लाइक पेंटिंग करते हो हॉबी के लिए, और प्रोफेशन कुछ और हो ये भी होगा, बट क्रिएटिव होंगे आपके पर्सन. योगा, आपके पर्सन फिट रहते हैं, एथलेटिक भी हैं, एंड योगा प्रैक्टिस भी करते हो, ठीक है, पहले भी बताया था मैंने, या फिर योगा ट्रेनर होंगे. बॉडी वर्क, आपके पर्सन की खुद की जिम हो सकती है, जिम के ट्रेनर हो सकते हैं, ऐसा कुछ होगा, बॉडी वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, मसाज थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, उनका खुद का स्पा भी हो सकता है, ऐसे प्रोफेशन में होंगे पाइल नंबर टू आपके पर्सन. आई होप सो आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो, ऐसे होंगे आपके पर्सन, आपको कुछ हेल्प मिली हो, आपको कुछ आइडिया आया हो, एंड मैं अगर आपको बोलती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, सो दैट नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए जब भी पोस्ट करूँ, ओके. एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो दोस्तों आप जब भी सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन दबा दें एंड ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दें, देन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ओके. सो मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में आपके साथ. बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर.